देख सकते हैं बाबू हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप बनाना प्रयास करते हैं, जैसे इस पर 10 क्वेश्चन अपने मन से बना लिए, इस पर 10 क्वेश्चन बना लिए, इस पर 10 क्वेश्चन बना लिए, इस पे 10 बनाए, इस पे 10 बनाए, इस पे 10 बनाए और इस पे, तो समझिए कि पूरे मैथमेटिक्स का एक जड़ हिला के रख देगा ये मैथ। समझे कि नहीं? आप लोग छोटे बच्चे हैं और ध्यान देंगे बाबू, ये एक ऐसा टॉपिक है जो अलजेब्रा में भी आता है और भाषा के मैथ में भी आता है। समझे कि नहीं? आइए हम इसको समझते हैं, क नंबर को, हालांकि हिसाब में कुछ है नहीं लेकिन इसका जानना बहुत ही क्या है, आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं अति आवश्यक है। समझे? पहला क्वेश्चन है x और y का जोगफल 6 है। क्या है बाबू? x और y का जोगफल, जोगफल माने क्या होता है? जोड़। जोगफल माने जोड़। जब हम x और y को जोड़ रहे हैं तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे, x हो गया और y हो गया और ये क्या है? योगफल। योगफल माने जोड़ हो गया और हमारा उत्तर कितना आ गया? 6। कितने बच्चों को समझ में आ गया? फाइनल। इसी तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। समझे कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? जिस जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, समझिएगा कि वो अलजेब्रा की एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गया। समझे? इसको मिटा दे और इस पर प्रैक्टिस करना है। कुत्ता और गधा का जोगफल 9 होता है। समझे कि नहीं? चोर और पुलिस का जोगफल 8 होता है। पी और क्यू का जोगफल 9 होता है। ए और बी का जोगफल जो होता है 18 होता है। ऐसे अपना मन से कुछ और बोल बोल के इस पर अपना प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए आइए, चलिए ख नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। पी और क्यू का अंतर 7 है। अंतर माने घटाव होता है। क्या होता है बाबू? अंतर माने यहाँ पी है तो पी लिख देंगे, यहाँ क्यू है तो क्यू लिख देंगे। अंतर माने क्या होता है बेटा जी? घटाव होता है। 7 है तो 7 लिख देंगे। समझ में आया है कि नहीं आया है? कितने बच्चों को आ गया है? फाइनल। कोई टेंशन इसमें? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये ख नंबर भी क्वेश्चन हुआ। इस पर भी आप 10 वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। समझे कि नहीं? उसके बाद अगर हम आपको बीजगणित पढ़ाते हैं या भाषा का, किसी भी क्लास का मैथ हो, 10वां का हो, 9वां का हो, 8वां का हो, इंटर का हो या किसी कंपटीशन का हो, अगर आप इसको अगर आप बना लेते हैं तो समझिए कि हर मैथ थोड़ा थोड़ा हल्का हो जाएगा। समझे कि नहीं? ये देखेंगे ग नंबर। ए और बी का गुणनफल 17 है। गुणनफल माने क्या होता है? गुना। गुणनफल माने गुना। तो ए और बी का गुणनफल 17 है, ये भी लिख देंगे। और क्या लिखेंगे बेटा? बी लिखेंगे। और गुणनफल माने क्या देंगे बाबू? गुना। और 17 है यानी कि हम इसका जवाब 17 दे देंगे। तो ए गुणे बी को हम ए बी भी लिख सकते हैं। ए बी बराबर 17। दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह है, याद रखिएगा। समझ में आ गया? कोई टेंशन? चलिए मिटा दें इसको। इस पर भी आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। ख नंबर देखिए, x और y का भागफल 7 है। x और y का भागफल कितना है? भागफल माने बाबू भाग, कितना है? 7 है। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? चलिए इसको मिटा दें। अंग नंबर क्वेश्चन, x से 5 कम। x से कै गो कम? 5 गो। तो x लिख दीजिएगा, अब 5 लिख दीजिएगा।
अच्छा मान लीजिए आपके पास 11 गो रुपया है, 11 गो में से 5 गो कम कर दीजिएगा तो कै गो बचेगा? 6 गो। 100 गो रुपया है, 5 गो कम कर दीजिएगा तो कै गो बचेगा? कै गो? 95 गो। तो का किए, घटाए कि नहीं घटाए? तो उसी तरह से x से 5 कम, x माइनस 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। x से 5 अधिक, देखिए अब आपके पास मान लीजिए कि 10 गो रुपया है, तो ओकरा से 5 गो अधिक का कै गो रुपया होगा? 20 गो रुपया है, उससे 5 गो अधिक का कै गो होगा? 25 गो। बुझा रहे हैं? तो जोड़े हैं ना, तो x से 5 गो अधिक, तो x लिख देंगे, 5 गो अधिक दे देंगे, यानी प्लस 5। समझ में आया? ये करें x का 10 गुना, x का कई गुना बेटा? 10 गुना। 10 गुना x लिख दीजिए और 10 लिख दीजिए, है का कर दीजिए बेटा? गुना। x में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x। कितने बच्चों को समझ में आ गया? वीडियो छोटा है लेकिन ये सवाल हर सवाल पे भारी है, समझे कि नहीं? जिस आदमी को समझ में आएगा वही आदमी इस वीडियो को लाइक करेगा और शेयर करेगा, वरना बहुत सारे लोग हैं जो इसको ऐसे ही टाइम पास को लेकर के देख लेंगे। समझ में आएगा नहीं? अगर आती है पढ़ाई अगर बेहतर समझ में, तो अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को भी ये वीडियो दिखाया कीजिए, जो बच्चे क्लास 3 से क्या है, ऊपर है, ठीक है, उन बच्चों का बेस मजबूत होगा इससे, ठीक है। उतार लेंगे आप इस क्वेश्चन को बाबू।